सफेद बालों को जड़ से काला करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही चमत्कारी नुस्खा लेकर आई हूं, जिससे आपके बाल दोबारा से काले हो जाएंगे और आपको कभी भी सफेद बालों की तकलीफ फिर कभी नहीं होगी। समय से पहले जब हमारे बाल सफेद हो जाते हैं ना, बहुत ही बुरा लगता है हेयर कलर्स का यूज करना। हमारे बालों में से कालापन क्यों निकल जाता है? क्योंकि हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं। जो लोग अपने खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, उनके बाल समय से पहले व्हाइट हो जाते हैं और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई। किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को ये तकलीफ हो सकती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी शेयर कर रही हूँ। घर पर ही आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ नेचुरल हेयर डाई। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने इस्तेमाल करा है हल्दी पाउडर का। आप लोग सोच रहे होंगे बालों को काला करने के लिए हम ये पीली रंग की हल्दी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? रुकिए जरा, मैं आपको बताती हूँ। ये जो हल्दी पाउडर है, ये हमारे बालों को नेचुरली कालापन देगा। हम हल्दी को भुनने वाले हैं तवे पे धीमी आंच पर और हम इसे ब्लैक टर्मरिक में कन्वर्ट करेंगे। ये जो पीली दिखने वाली हल्दी है ना, जब तक इसका कलर डार्क ब्लैक या ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम इसे धीमी आंच पर लोहे के तवे पर भुनेंगे। भुनी हुई हल्दी पाउडर हमारी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। स्किन की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, चेहरे को खूबसूरत बनाती है। और उसी तरीके से भुनी हुई हल्दी ना ही सिर्फ हमारी स्किन के लिए बल्कि हमारे बालों के लिए भी बड़ी फायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने रखा एक तवा और तवे को मैंने प्रीहीट कर लिया है। 10 मिनट पहले ही मैंने इसे रख दिया था इंडक्शन पर और ये काफी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब गर्म तवे पे मैं कम से कम 4 से 5 बड़े चम्मच भरकर हल्दी पाउडर डाला है। और हल्दी पाउडर डालने के बाद आपको अच्छी तरीके से इस तरीके से हिलाते जाना है, टॉस करते जाइए लगातार स्पून की मदद से। क्योंकि हल्दी अगर नीचे से जल गई ना, तो इसके कोई आपको फायदे नहीं मिलेंगे। ये काली तो हो जाएगी अगर जल जाएगी तो, पर आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप हल्दी को धीमी आंच पर भुनिए, ना कि जलाइए। भुनना अलग होता है, जलाना अलग होता है। तो हमें यहाँ पर हल्दी को जलने बिल्कुल भी नहीं देना, लगातार स्पून की मदद से टॉस करते जाइए। वरना काला रंग तो जलने से भी आ जाएगा अगर हमारी हल्दी जल गई तो, लेकिन आपको काले बाल नहीं मिलेंगे। और फिर आप मुझे कहेंगे कि हमें तो रिजल्ट्स नहीं मिले। तो अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, बालों के लिए नेचुरल हेयर डाई घर पर बनाना सीखना चाहते हैं बहुत ही सस्ते में, तो आपको हल्दी को इस तरीके से भूनते जाना है धीमी आंच पर। तो मैं स्पून की मदद से लगातार इसे सभी डायरेक्शंस में टॉस करती जा रही हूँ ताकि हीट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। बालों के सफेद होने का कई तरीके के कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं और अपने बालों पर काफी अलग अलग तरीके के केमिकल्स वाले कलर लगाते हैं। बालों को अलग अलग ब्राउन कलर देने के लिए, बरगंडी कलर देने के लिए हम केमिकल वाले हेयर डाई का यूज करते हैं। हेयर डाई लगाने से भी हमारे सारे के सारे बाल सफेद हो जाते हैं। कुछ टचिंग के जगह पर हम अपने पूरे ही बालों को सफेद कर लेते हैं। कुछ लोगों की सिर्फ कुछ ही बाल सफेद होते हैं और उन्हें वो काला रंग देने के चक्कर में पूरे बालों पर डाई लगवा लेते हैं और पूरे के पूरे बाल सफेद हो जाते हैं। हेयर डाई का सबसे बड़ा नुकसान है ये आपको कोई नहीं बताएगा, पर ये बात बिल्कुल सच्ची है। जो लोग हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं ना, उनके बाल दोबारा कभी भी काले तो दूर की बात है, हमेशा सफेद ही रहेंगे और खराब होते जाएंगे। हेयर डाई में काफी अलग अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं। ये देखिए, अब मेरी हल्दी का जो पाउडर अच्छी तरीके से रोस्ट होना शुरू हो गया है। पीले रंग से ये लगभग डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो चुकी है और अब हमारी हल्दी बनकर तैयार हो चुकी है। ब्लैक टर्मरिक पाउडर हमारा बनकर यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरीके से आपको भी जलने नहीं देना है। अगर जलना शुरू हुआ ना, मतलब इसमें धुआं आना शुरू हो जाएगा, तो आप ध्यान रखिए कि इसमें जरा से भी धुआं ना आए और जलना नहीं चाहिए हमारी हल्दी। तो ये हमारा टर्मरिक पाउडर यूज करने के लिए तैयार है। अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज्यादा मात्रा में टर्मरिक को ड्राई रोस्ट करकर भूनकर भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो बार बार आपको इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आपने हल्दी को ड्राई रोस्ट कर लिया ना, उसके बाद तो आपको मुश्किल से 10 सेकेंड का टाइम लगेगा इस हेयर डाई को बनाने के लिए। और टर्मरिक से बना हुआ ये जो हेयर डाई आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाई हूं ना, वो इतना इफेक्टिव है कि आपके बालों पर आपको हेयर डाई दोबारा लगाना ही नहीं पड़ेगा। 1 से 1.5 महीने तो बालों को देखना भी नहीं पड़ेगा आपको। आपके बाल और इवन आपके जो सफेद हुए हैं ना, वो जड़ों से दोबारा काले होना भी शुरू हो जाएंगे, मतलब नए बाल भी आपके काले आना शुरू हो जाएंगे। अब मैंने इस हल्दी पाउडर में डाला है नारियल का तेल। नारियल का तेल मल्टीपर्पज ऑयल है, बालों पर भी लगा सकते हैं, स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा नारियल तेल की एक बड़ी सी बॉटल अपने पास खरीद के रखती हूँ और लगभग 2 चम्मच भरकर मैंने इसमें नारियल का तेल डाला है। इसे अच्छी तरीके से फेटिए, मिक्स करिए ताकि इसमें गुठलियां ना पड़े और लम्स तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर लम्स पड़ेंगे ना, तो उसका एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। चिकना सा हेयर डाई जिसकी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनकर तैयार होना चाहिए। हाथों की मदद से अप्लाई कर सकते हैं या फिर ब्रश की मदद से भी इसे आप अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। और लगाने के 1 से 1.5 घंटे तक आपको इसे बालों पर लगाकर रखना है और उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से बालों को वॉश कर देना है। आपके बाल दोबारा काले हो जाएंगे और केमिकल वाले हेयर डाई लगाना तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे। तो इस रेमेडी को ट्राई जरूर करें, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो